जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है, बहुत आभार है। दोस्तों, यदि कोई दुर्घटना हमारे साथ घटित हो रही है या होने वाली है, उससे पहले यदि हमें पता लग जाए कि हमारे साथ दुर्घटना होने वाली है तो कितना अच्छा होगा। हर व्यक्ति दुर्घटना घटने के बाद यही सोचता है। तो वो संकेत जिस पर हम बात करेंगे कि दुर्घटना होने से पहले कौन कौन से वो संकेत हैं जो हमें मिलते हैं, जो हमें आगाह करते हैं कि आप रुक जाइए 2 मिनट थोड़े वक्त के लिए। उससे पहले एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और चैनल से मुझसे जुड़ जाइएगा आप। मुझसे यदि आप बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप वहाँ से मेरा नंबर निकाल कर जो है व्हाट्सएप से मेरा अपॉइंटमेंट लेकर सीधे मुझसे बात कर सकते हैं, शुल्क लागू। सबसे पहली बात है कि दुर्घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट और कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है। तो मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि जब भी किसी को छींक आए, जरा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, कि जब भी किसी को छींक आए, एक छींक आए, तो उस पल को टाल दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस दिन कोई काम ना करें, 2 मिनट तो आप रुक ही सकते हैं, तो 2 मिनट उसको टाल दे। वो संकेत है, संकेत का मिलना मतलब उस वक्त को टालना, न कि इसको भ्रांति मानना। तो पहली बात यदि जब भी छींक आए जो पहला संकेत है, 2 मिनट रुक जाए। दूसरी बात, बहुत से लोग बिल्ली के रास्ते काटने पर रुकते हैं, बहुत से लोग बिल्ली के रास्ते काटने पर कई सारी बातें करते हैं। जब भी बिल्ली रास्ता आपका काट जाए तो भी आप 2 मिनट रुक कर उस वक्त को टाल दें। इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा निकलेगा तब आप पार करें, यदि बिल्ली रास्ता काट जाती तो आप कुछ पल के लिए रुक जाइए, 2 मिनट के लिए रुक जाइए, उसके बाद आप आगे गति निकाल दीजिए। न कि ये भ्रांति है और न ही ये किसी प्रकार से अवैज्ञानिक तार्किक चीज है। जब भी कोई हमारा पल खराब आने वाला होता है, उसके पहले ईश्वर हमें संकेत देता है, और वो ईश्वर इस दुनिया में है, संकेत देता है, बस उस वक्त को हमें टालना है। 2 मिनट रुक गए तो काम हो गया। तीसरी बात है कांच का फूटना। कांच का फूटना भी अशुभ माना जाता है और वो भी एक दुर्घटना का संकेत ही माना जाता है। इसलिए जब भी कहीं कांच फूटे तो प्लीज आप उस कांच को तुरंत समेटें अपने घर में, और उसे घर के बाहर कहीं भी डस्टबिन में आप उसे डालकर आए, उसे ज्यादा वक्त तक घर में ना रखें। उसका तुरंत उपाय ये है, अब जितना देर करेंगे या रात में फूट जाए तो आप मान लीजिए उसे करके घर के बाहर आप रख दीजिएगा, सुरक्षित जगह, ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये संकेत है, इसका ध्यान रखेंगे कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री महाकाल।